साहेबगंज जिले के कोविड अस्पताल से 3 कैदी फरार हो गए हैं। शुक्रवार की देर रात 5 कैदी खिड़की के रॉड को तोड़कर भाग गए। हालांकि वहां मुस्तैद पुलिस के जवानों ने 2 कैदी को पकड़ लिया, जबकि 3 कैदी भागने में सफल रहे। हमारे जो कुछ कैदी लोग जो कोविड पेशेंट थे, उनको यहां रखा गया था और उनकी सुरक्षा की भी व्यवस्था थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि खिड़की पर थोड़ा सा छड़ जो कमज़ोर था, है कि नहीं, उसका फ़ायदा उठा करके उन लोगों ने रात के अंधेरे में जो है सो यहाँ से निकल गए हैं। उसमें कुछ पकड़े भी गए हैं, शेष जो है सो पकड़े जाएंगे, बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। अब फिर हम लोग उसमें सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा करके आप किस तरह से डिप्रेशन में हम लोग सुधार कर रहे हैं ताकि भविष्य में इस तरह की घटना नहीं। सर, ये जो तीनों व्यक्ति थे सर, जो तीनों कैदी है, ये सर कहाँ के हैं? वो आपको एसपी साहब बताएंगे डिटेल में, है कि नहीं, वो हम नहीं बता पाएंगे कहाँ, लेकिन सब शीघ्र पकड़े जाएंगे। लगभग हम लोग जो है सो उनको ट्रेस करने की स्थिति में है, है ना। दरअसल इन कैदियों को कोरोना संक्रमित होने के बाद कोविड अस्पताल राजमहल में भर्ती कराया गया था। भागने वालों में विक्की कुमार मंडल, राजकुमार पासवान और सैफुद्दीन शेख शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोटा ने बताया कि भागने वाले कैदियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, जल्द ही सभी सलाखों के पीछे होंगे। आज कोविड कैदी वार्ड से 5 कैदियों की भागने की सूचना मिली, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 को गिरफ्तार कर लिया है और 3 अभी भागे हुए हैं जिनकी तलाश जारी है। जल्द ही हम उसे पकड़ लेंगे और उनके विरुद्ध अलग से एक प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, जिसमें सजा सुनिश्चित ही होगी। ये सर तीनों जो कैदी है सर, पांच ही कैदी है सर कि 3? 5 भागे थे, जिसमें से 2 को वापस ले आया गया है जी, और वो अभी थाना हिरासत में है। उनको यहाँ से डिस्चार्ज करके वापस जेल भेज दिया जाएगा। वो जेल के कैदी थे और ये जो भागे हुए हैं 3, वो पुनः गिरफ्तार किए जाएंगे, उन पर अलग से प्राथमिकी दर्ज होगी और फिर आगे तक कार्रवाई की जाएगी। साहेबगंज से सनी सिंह की।